अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक हम अपने पड़ोसियों से बात नहीं करेंगे हम हल नहीं निकाल सकते। आतंकवादी सीमाओं के रास्ते आ रहे हैं, वो आते रहेंगे, हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकलने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कहा कि वो हमेशा पाकिस्तान का ही राग अलापते हैं। ये भारत की पीएम मोदी की सरकार है, हम घर में घुसकर मारने में सक्षम हैं, हमें अपने सुरक्षा बलों पर यकीन है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे अगले सेना प्रमुख, 30 जून को संभालेंगे पदभार। इसी दिन मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हो रहे हैं रिटायर। चमोली जिले के जोशीमठ का नाम बदल गया है। धामी सरकार ने यह फैसला लेते हुए बताया कि इसे अब ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। जोशीमठ के लोग लंबे समय से इसका नाम बदलने की मांग कर रहे थे। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में सड़क पर नहीं होगी नमाज, सड़क पर नमाज पढ़ने पर होगा एक्शन, अल्पसंख्यक विभाग ने लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर निर्देश, मस्जिदों में अलग अलग शिफ्ट में होगी नमाज, आदेश न मानने वालों पर होगा एक्शन। दिल्ली में पानी की किल्लत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई, कहा टैंकर माफिया को रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अथॉरिटी प्रशासन और किसानों के बीच झड़प होने की खबर है। मामला तब गर्मा गया जब अवैध अतिक्रमण से कब्जा हटाने के लिए टीम पहुंची, वहीं किसान खुद की जमीन होने का दावा कर रहे हैं। कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुतिप्पा को क्राइम स्पॉट पर लेकर गई पुलिस, बता दें कि एक मर्डर केस में एक्टर की गिरफ्तारी हुई है। दर्शन के करीबी दोस्त और अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा भी इस मामले में मुख्य आरोपी है। अब तक इस मर्डर केस में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि पुलिस को खुली छूट दी गई है, अभिनेता दर्शन और उनके सहयोगियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। यूक्रेन जंग के बीच रूस की सेना में तैनात दो और भारतीयों की मौत हो गई।